वी केयर फॉर यू कहलाने वाली चंडीगढ़ पुलिस पर आए दिन शिकायतकर्ता कार्रवाई न करने, मामले को रफा दफा और पैसे मांगने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ सेक्टर 36 थाने का सामने आया है, जहां पर एक महिला ने थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने और जांच अधिकारी द्वारा उसकी लिखित शिकायत को फाड़ने का आरोप लगाया है। यहां तक कि सुबह 11 बजे से लेकर देर रात 11 बजे तक थाने में बिठाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न कर समझौता करने का दबाव भी बनाया गया। महिला द्वारा दिए गए आरोपी युवकों के नाम न लिखकर अन्य युवकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। इतना ही नहीं, इस संदर्भ में महिला ने आला अधिकारियों को थाना पुलिस के खिलाफ शिकायत देने की भी बात कही है। सेक्टर 42 निवासी शिकायतकर्ता रेखा ने बताया कि सुबह 10 बजे मार्केट में दवाई लेने गई थी। वहां पर संजय और उसके साथियों ने मारपीट की, उसके बाद पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मुझे थाने में लेकर आई, देर रात हो गई, मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि देर रात हो गई, पुलिस समझौते का दबाव बनाती रही, जबकि मैंने किसी से शिकायत लिखवाई थी। उसके बाद पुलिस ने उसकी शिकायत को भी फाड़ दिया। दूसरी शिकायत खुद ब खुद लिखी, जिसमें से आरोपियों के नाम भी निकाले गए। थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आला अधिकारियों से गुहार लगाऊंगी। सवेरे 10 बजे दवाई लेने गए थे हम, तो वहां पे झगड़ा हाथापाई हो गई डंडे के नाल। फिर मेरे को संजय जैसने ने मारा और मार के वहां से 1-2-3 हो लिया चला गया। फिर क्या नाम है, पुलिस आ गई, उन्हें फिर सवेरे यहाँ 11 बजे से बैठा लिया। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी और ये पर्चा फाड़ के फेंक दिया मेरा। योगेश कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह पता चला कि उनके दोस्त की माता रेखा देवी के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की, जिसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी संजय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने कुछ अन्य युवकों को पकड़ लिया है। पुलिस को जो शिकायत दी गई उसे उसने फाड़ दिया, जिसे थाने के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। जो शिकायत पुलिस ने लिखी उसमें से संजय का नाम निकाल दिया और पुलिस दबाव बना रही है कि कार्रवाई ना की जाए। वहीं अगर थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो एसएसपी साहब से वह गुहार लगाएंगे। का संजय है और कुछ लड़कों के साथ उनकी लाठियों से कटाई की है, उनके लड़के और उनकी माता की। तो इन्होंने कंप्लेन लिखाई थी सुबह से, पर सुबह से इनको जहाँ ऊपर से दबाव पड़ा हुआ था कि इन पर कोई कार्रवाई ना की जाए, तो ये सुबह से आए हुए हैं। अभी मैं अभी 5 बजे का यहीं पर हूँ, लगातार यहीं पे बैठा हूँ मैं और रोहित। तो हम देख रहे हैं इनकी कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा जब बाद में हमने दबाव डाला कि भाई आप पर्चा करो, FIR वगैरह करो, लड़कों पे पकड़ो तो सही, कोई तो लड़का पकड़ के लाओ। तो इन्होंने जो मेन लड़का है जिसका संजय नाम है उसको तो पकड़ा नहीं है, जो निर्दोष है जो इनके साथ थे उनको पकड़ के एक जो अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दूसरी डाल दी जिसमें संजय का नाम नहीं है, संजय का नाम ही हटा दिया है। अब मैं अंदर गया, डस्टबिन से वो कागज़ उठाया तो इनको मैंने लाके दिया कि ये देखिए इसमें संजय का नाम है, जो पहले इनकी माता ने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा पहली बार सामने आया है कि शिकायतकर्ता की थाने में शिकायत ही फाड़ दी गई और पुलिस द्वारा लिखी गई शिकायत में आरोपी युवक का नाम ही निकाल दिया गया। इसमें साफ जाहिर होता है कि सेक्टर 36 की पुलिस किस तरह से शहरवासियों की केयर कर रही है। कैमरामैन परवीन के साथ कुलदीप कुमार, नेशनल बज़।